तो क्या हाल है दोस्तों? दोस्तों आपने टाइटल तो देख ही लिया होगा, ध्रुव राखी। सॉरी आई मीन ध्रुव राठी। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उस अंग्रेज की जो है तो हमारे देश का लेकिन रहता जर्मनी में है। हमारे देश का होने के बावजूद भी ये पूरी दुनिया में हमारे ही देश की बुराइयां करता फिरता है। वो कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए औलाद छोड़ गए, ये इन्हीं अंग्रेज में से किसी एक की औलाद लगता है, तभी तो इसे हमारे देश की अच्छाइयां नहीं दिखती। अभी अभी हाल ही में इस मुगले हजाम का एक वीडियो आया, उस वीडियो में था कि इंडिया इज बर्निंग 55 डिग्री टेम्परेचर। तो मेरे मुगलों के हजाम, तुझे कैसे पता चला कि इंडिया में 55 डिग्री टेम्परेचर है? तू तो इंडिया में रहता भी नहीं है, तू तो जर्मनी के किसी गली के कोने में पड़ा रहता है। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि इंडिया में मैक्सिमम टेम्परेचर 51 डिग्री तक ही गया है, और वो भी राजस्थान में। और ये कहता है कि इंडिया इज बर्निंग 55 डिग्री टेम्परेचर। अबे साले, फेंकना बंद कर। कितने सारे लोगों को तू उल्लू बनाता फिरता है, स्क्रिप्ट ढंग से रिसर्च करके बनाया कर मेरे भाई, या फिर अपनी रिसर्च टीम को बोल के ठीक से रिसर्च करके स्क्रिप्ट बनाए। इस चपड़ गंजू का एक दूसरा वीडियो भी देखा, एंड गेम ऑफ डिक्टेटर द नरेंद्र मोदी फाइल। इस वीडियो में इस केजरीवाल के भड़वे ने कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने झूठी इमेज दिखाते हैं और उनका मानसिक संतुलन भी ठीक नहीं है। पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था व्हाट्सएप और मीडिया पर नरेंद्र मोदी की क्या तस्वीर आपको दिखाई जाती है, क्या झूठी इमेज आपके सामने बनाई जाती है। आज के वीडियो में दोस्तों उनकी असल जिंदगी के बारे में जानते हैं, क्या है उनकी असली पर्सनैलिटी और उनकी असली मानसिकता। तो तेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सामने झूठा दिखावा करते हैं? तो रुक रुक मेरे भाई, मैं तुझे दिखाता हूँ कि मोदी जी ने कितने कितने दिखावे किए हैं। लेकिन इससे पहले गाइस, इसका एक ये वीडियो देखो। सरकारी स्कीम से लेकर सड़कों और अस्पतालों के नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर है। नमो किसान सम्मान दिवस, नमो फ्री डायलिसिस सेंटर, नमो डे केयर सेंटर, नमो मोबाइल हेल्थ केयर यूनिट्स, नरेंद्र मोदी मेडिकल कॉलेज, नरेंद्र मोदी मार्ग, मोदी आवास, घरकुल योजना। अच्छा, तो सब योजनाएं नरेंद्र मोदी के नाम से है? तो अब ये सुन, जनधन योजना, जीएसटी योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना, समिति योजना, उड़ान योजना, अग्निपथ योजना, स्वामित्र योजना, सौभाग्य योजना, पहल योजना, आयुष्मान भारत योजना, सहकारी योजना, मातृत्व वंदना योजना, घर व्यवस्था सहाय योजना, बालिका अनुदान योजना, श्री स्वाभिमान सहाय योजना, सुवर्ण भारत योजना, स्मार्ट सिटी योजना, अमृत योजना, नमो लक्ष्मी योजना, गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, माँ अमृतम योजना, विधवा सहाय योजना, कृषि सहाय योजना, किसान सम्मान निधि योजना, सब्सिडी योजना, और ना जाने कितनी 175 से ज्यादा योजनाएं हैं जिसका लाभ देश के करोड़ों लोग उठा रहे हैं। इन सभी योजना का नाम बोलूंगा ना तो तेरे कान से खून निकल आएगा, इतनी सारी योजनाएं हैं। और इन सभी योजना के आगे नमो शब्द ही नहीं है, और तू कुछ गिनी चुनी हुई नमो नाम की योजना दिखाकर क्या लोगों को उल्लू बनाना चाहता है? जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ये लोग है, पब्लिक है, सब जानती है, ये तो कुछ भी नहीं। और जन औषधि केंद्र से लोगों की मेडिसिन 50-60% डिस्काउंट में मिल रही है। अगर आपको गलत लग रहा है तो गाइस इस वीडियो को देखो। मोदी को प्रणाम। नमस्ते जी। आप, मेरा नाम दीपा शाह है। दीपा जी आप बैठ करके बोलिए, मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है, आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ, हाँ बताइए दीपा जी। मोदी जी, मेरे को 2011 में पैरालाइज पड़ा था, मैं बोल नहीं पाती थी, मेरा हाथों में इलाज चलता था, दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग है, घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली, मैंने खाना सुन लिया, और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी, और अब मेरी दवाएँ 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है, उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ।
पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मूल रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। इस जर्मन शेफर्ड को हमारे देशवासी बेवकूफ नजर आते हैं। एक वीडियो में इसने कुछ ऐसा ही कहा। इनके आईटी सेल वाले मेरे ऊपर सवाल उठाते हैं कि कोई पार्टी मुझे पे कर रही है इसलिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। अरे बेवकूफो, अगर किसी पार्टी को पे करना होता ना मुझे, मैं सबसे पहले बीजेपी के पास जाता। तो अरे बेवकूफ। और आप सब लोग फिर भी ऐसे बेवकूफ को सपोर्ट करते हो। गाइज इतना याद रखना, जो हमारे देश का नहीं हुआ वो क्या किसी और का होगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इसीलिए तो हमारा भारत देश छोड़कर ये जर्मनी में रहता है। देश के साथ इसको कोई लगाव ही नहीं है। इसका कहना है कि नरेंद्र मोदी मुझे भी स्टेज पर बुलाते, मेरी भी तारीफें करते, मुझसे हाथ मिलाते। मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये सब करना। नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते, मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना। अजी घंटा, तू अवार्ड लेगा, तू अवार्ड लेगा। एक काम कर, पहले तू। लेकिन मैं अपने देश को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता। अच्छा, तो तुझे लगता है अपना देश नीचे गिर रहा है? वहाँ से दूरबीन लगा के देख रहा था क्या? उनका विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो आ मैं तुझे बताता हूँ कि अपना देश कितना नीचे गिर गया। 2014 से पहले जब कांग्रेस सरकार थी तब हमारा इंडिया 10वें नंबर पर था, और 2024 में हमारा देश 5वें नंबर पर है, और तू कहता है कि हमारा देश नीचे गिर रहा है। 2024 में मोबाइल फोन का प्रोडक्शन करने में अपना देश 12वें नंबर पर था, और आज 2024 में दूसरे नंबर पर है, और तू बोल रहा है कि हमारा देश पीछे जा रहा है। 2014 में हमारे देश में 74 एयरपोर्ट थे, जो आज 2024 में 148 एयरपोर्ट है। ले जर्मन शेफर्ड, सुन ले, 10 साल में डायरेक्ट डबल एयरपोर्ट हो गए, और तू कह रहा है देश पीछे जा रहा है। 2014 में अपने देश में इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 698 किलोवाट था, जो अब बढ़कर 1015 किलोवाट हो गया है, और तू तो बोल रहा है कि हमारा देश पीछे जा रहा है। नेशनल हाईवे 91,287 किलोमीटर था, जो आज 2024 में 1,45,155 किलोमीटर तक बढ़ चुका है, और ये मीठा बोल रहा है कि देश पीछे जा रहा है। अबे अब इसकी भी कोई पीछे से मार लो यार, बात खत्म करो। ये कहता है मैंने अपने देश को बचाने के लिए पूरा करियर दाव पे लगा दिया, इसलिए मैंने अपना पूरा करियर दाव पर लगा दिया इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, देश को बचाने के लिए। तो गाइस आप ही सोचो, अगर इसको हमारे देश के लिए इतना प्यार होता तो क्या ये खुद जर्मनी में जाके रहता? तू पहले इंडिया में आ, इंडिया में रह, इंडिया को फील कर, यहाँ की मिट्टी की सुगंध, यहाँ की हवा में ताजगी, इन सबको महसूस कर कि हमारे भारत देश की तो कुछ बात ही निराली है। भाई तू तो टूरिस्ट है, कई सालों में सिर्फ एक बार इंडिया में घूमने आता है, तो तुझे कैसे पता चला कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं? अगर तुझे हमारे भारत देश की असली ब्यूटी को देखना है तो हमारे देश को अपनाना पड़ता है। सिर्फ जय हिंद बोलने से कुछ नहीं होता। इंस्टाग्राम और ट्विटर पे देश का झंडा लगाकर नहीं, मगर हमारे देश को दिल से लगाकर रखना पड़ता है। जिसे भारत देश पर भरोसा है, भारत की जनता पर भरोसा है, उसे अच्छी तरीके से पता है कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं। देश की करोड़ों जनता तुझसे बेहतर जानती है कि देश के लिए सही क्या है और गलत क्या है, तू समझा ना टूरिस्ट? और ये कहता है पूरे देश को बचाने के लिए मैंने कैरियर दांव पे लगा दिया, चल हट। एक लाइन इसने ऐसी भी बोली कि नरेंद्र मोदी जी को पावर का नशा है, सत्ता की भूख है। सैनिटी बनाए रखें और विरोध दर्ज करें तो पॉलिटिकल पॉलिसी, अथॉरिटेरियनिज्म, पावर का नशा, सत्ता की भूख, इनके सामने कोई ना बोल पाए। तो तू बता मुझे वो पावर का यूज कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ भारत देश को आगे बढ़ाने के लिए। उनको सत्ता तो चाहिए, लेकिन वर्ल्ड में इंडिया फर्स्ट पोजीशन पे आए ऐसी सत्ता चाहिए। लोगों के पास पैसों का पावर होता है, तो तू मुझे बता उनके पास कितना पैसा है, कितनी प्रॉपर्टी है उनके पास, बता मुझे। अबे उनकी सैलरी भी आती है तो वो डोनेट कर देते हैं, कभी इंडियन आर्मी में तो कभी चैरिटेबल ट्रस्ट में। उनके पास ठीक से खुद का घर भी नहीं है, बस एक घर है जहाँ पर उनकी माँ रहती थी, बस। और तू पावर और सत्ता की बात कर रहा है, आया साला। मोदी नहीं, कोई भी और जिसमें आलोचना सहने की शक्ति ऊंच चले। इसलिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़के,
शशि थरूर, नितिन गडकरी, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, पिनरई विजयन, मनोज कुमार झा, महुआ मोइत्रा, इनमें से कोई भी नेता नरेंद्र मोदी से 100 गुना बेहतर है। मोदी नहीं कोई भी और, मोदी नहीं कोई और सही। तो भाई तू भी राहुल गांधी की तरह पार्टी ज्वाइन कर ले मेरे, क्योंकि वो लोग भी सब यही करना चाहते हैं। मतलब तुझे मोदी नहीं चाहिए, फिर कोई भी आ जाए चलेगा, फिर चाहे उसे देश की पड़ी हो या ना पड़ी हो। वाह रे लल्लू वाह। थोड़ी देर पहले ही तो तू बोल रहा था कि देश को बचाऊंगा, गिरने नहीं दूंगा। लेकिन मैं अपने देश को इस हालत में गिरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए, देश को बचाने के लिए। अब बोल रहा है कि कोई भी आ जाए चलेगा, बस मोदी नहीं चाहिए। मोदी नहीं कोई भी और। वाह रे डोगले वाह, मानना पड़ेगा तुझे भाई। अरे ये तो ऐसा गद्दार है कि इसने अपनी फील्ड के YouTube वीडियो क्रिएटर को भी नहीं छोड़ा। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को ये अवार्ड दिया गया। अच्छा तो ऐसा बोलना मेरे भाई कि तुझे ये मिर्ची लगी है कि तुझे अवार्ड नहीं मिला। मुझे बोलता मैं दिला देता तुझे अवार्ड। ये मेरी तरफ से बाटली अवार्ड। समझा ना तू मेरे भाई, तू सिर्फ ये बाटली अवार्ड के ही लायक है, और ये कह रहा है कि अवार्ड जीतना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नरेंद्र मोदी ही मुझे स्टेज पर बुलाते, मेरी तारीफ करते, हाथ मिलाते, मेरे लिए तो सबसे आसान काम था ये करना। तो भाई तू मेरा और ये राहुल गांधी और केजरीवाल के चाटू ध्रुव राठी को पॉपुलर क्रिएटर अभी ने भी बड़े अच्छे से पेल दिया। लेकिन आपके लेटेस्ट वीडियो में मुझे एक गलती मिली, ये गलती पर्टिकुलरली मेरे बारे में थी, इसीलिए आई थॉट आई शुड लेट यू नो। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग इनके खास हैं, उन्हें स्टेज पर बुलाओ, नरेंद्र मोदी उनके साथ हाथ मिलाएंगे। इसके लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बनाए गए। कुछ विनर्स जेन्युइन थे, क्योंकि थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी भी बनानी पड़ती है। लेकिन कई सारे मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदी यूट्यूबर्स को यह अवार्ड दिया गया। 1% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। मैंने बहुत याद करने की कोशिश की कि मैंने मोदी जी की चरण वंदना कब की, पूरे क्लिप में कहीं दिख नहीं रही है। हो सकता है इतने सालों के लिए देश के बाहर रहने की वजह से आपको चरण वंदना इस शब्द का मीनिंग याद ना हो, तो चलिए आपको याद दिलाते हैं। चरण वंदना इसे कहते हैं जब किसी के पैर छुए जाते हैं। जब भी मैं मेरी दादी से आशीर्वाद चाहता हूँ तब मैं उनकी चरण वंदना करता हूँ। ये मेरे संस्कार है, मुझे बचपन से सिखाया गया है, संस्कार है। मुझे बचपन से सिखाया गया है कि इससे हमारा ईगो कंट्रोल में रहता है और इससे हम छोटे नहीं होते, और इसी वजह से मैं मेरे परिवारजनों, किसी गुरु या फिर। वाह भाई अभी वाह, बहुत अच्छे से पेला आपने इसको, मजा आ गया पूरा वीडियो देख के। आपने वीडियो में जो भी बोला एकदम सही बोला, इसको इसी बात की मिर्ची लगी है कि उसको अवार्ड नहीं मिला। बस ये बौखला गया है, तभी ये बौखला के ऊट पटांग सी बातें कर रहा है। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। ये ध्रुव राठी ने अपने करियर में एक भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया है जिसमें हमारे देश के बारे में कोई अच्छी बातें बोली गई। अगर आपको मैं झूठा लगता हूँ तो उसके सारे वीडियोस में से मुझे एक भी ऐसा वीडियो दिखाओ जिसमें हमारे देश के लिए कोई अच्छी बातें कही गई। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने अपने देश पर एक बहुत ही प्यारा वीडियो बनाया है, ये वाला, जो आप ये वीडियो के बाद इसे भी देख सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं, 1000 का नोट खत्म, 500 का नोट खत्म, मदरसा बोर्ड खत्म, राम मंदिर मुद्दा खत्म, धारा 370 खत्म, 3 तलाक खत्म। अगर इतने में भी तेरा मन नहीं भर रहा तो कल से पाकिस्तान खत्म। और हाँ, साथ में जर्मनी को भी उड़ा देना, ताकि ये कुत्ते जैसी शकल सा दिखने वाला जर्मन शेपर्ड भी खत्म हो जाए। तो डियर ध्रुव राठी,
मैं तुझे बता दूं फॉर योर इंफॉर्मेशन कि भारत एक डेमोक्रेसी देश है और डेमोक्रेसी ही रहेगा। सच पूरी दुनिया को अपनी आंखों के सामने दिखता है, बस तुझे ही अपनी आंखें खोलने की जरूरत है। भाई तू तो एक टूरिस्ट है, भारत में सिर्फ घूमने आता है, और देशवासी तेरी ये तुच्छ जैसी वीडियो देख के ना बदलेंगे ना वो लोगों का कैंडिडेट बदलेगा। तू देश के बाहर रहकर देश से ही गद्दारी कर रहा है, गद्दार। आखिर में तेरे लिए इतना ही कहूंगा कि चार जवनी घोड़े पे ढू राठी मेरे। मुझे पता है कमेंट बॉक्स ढू राठी को गाली दे दे के भर गया होगा। अगर आपको वो इंडिया में दिख जाए तो उसको पकड़ के मारिए, मारिए उसको, लेकिन साथ में सब्सक्राइब के बटन पे भी कुछ मार दीजिए यार। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है तो सब्सक्राइब का बटन दब जाना चाहिए, और साथ में वो घंटे का बटन भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को लाइक करके इतना शेयर करो कि ये वीडियो देश के गद्दारों तक पहुंचे और उनको पता चले कि देश एकदम सही हाथों में है। तो मैं मिलता हूँ आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।